हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आयो किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और आलू के सब्जी, ग्रेवी वाला सब्जी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके हमने कढ़ाई गरम कर लिया, उसमें डाल लिए हैं तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक। अब इसमें हम भिंडी को डाल लेंगे और फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी सी पकानी है, पूरी तरह पकाना नहीं है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम उसी तेल में दोबारा हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी नमक। हल्दी और नमक इसलिए डालते हैं ताकि हल्दी से हमारा कलर रहे और नमक हमारा स्वाद बने रहे। अगर बाद में डालते हैं तो स्वाद नहीं आता है। इसी तरह हम आलू को डाल लेते हैं। देखिए आलू का कलर भी कितना अच्छा है। इसी को भी इसी तरह फ्राई करके निकाल लेते हैं। फिर दूसरा कढ़ाई हम लेंगे, उसमें डालेंगे हम तेल, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच सरसों, 6-7 टुकड़े अदरक, आठ दस पीस लहसुन, दो हरी मिर्च, अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे दो कटे हुए प्याज, बड़े बड़े पीसेस में हम काट लिए हैं। अब इसमें डालेंगे तीन कटे हुए टमाटर, अब स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब इसे पकने के लिए 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख लेते हैं। 2 मिनट बाद देखिए ये हमारा पक गया है। इसको भी पूरी तरह पकाना नहीं है, बस हल्की सी पकानी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। सेम वही कढ़ाई ले, उसमें तेल डालें, उसमें 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 दालचीनी, 4-5 लौंग, 1 इलायची, 8-10 काली मिर्च। अब इसको थोड़ी सी पका लेते हैं। सुनेल 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी थोड़ी सी पका लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आपको तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से डालनी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसको भी थोड़ी देर पका लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख लेते हैं। 2 मिनट बाद देखिए यह हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने ग्रेवी
बनाए थे उसको डाल लेते हैं। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का उसको डाल लेंगे। आपको अगर ग्रेवी पसंद नहीं है तो इसमें पानी ऐड मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने थोड़ी पानी डाल रही हूँ। इसको भी 2 मिनट के लिए पकने देते हैं और उबलने देते हैं। ये देखिए हमारे उबल आया है और हमारा मसाला भी पक गया है। अब इसमें डालेंगे भिंडी और आलू जो हमने फ्राई करके रखा था उसको डाल लेते हैं। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी गरम मसाला, पहले भी हमने डाला था इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। अब गैस ऑफ कर लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा भिंडी का सब्जी बन के तैयार, और इसको थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं धनिया के पत्ते के साथ। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।